Now, let me solve question number 12th for you. मैं क्वेश्चन नंबर 12th सॉल्व करता हूं. बड़े ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ें, बड़े ध्यान से फिगर को देखें. मैं पहले फिगर बना देता हूं. इस तरह का एक फिगर बना हुआ है. देयर इज अ वेज और इसका एंगल 30 डिग्री दे रखा है. It's fitted with a pulley here. It's fitted with another pulley here. And there is a block kept on the wedge like this. And this thread runs over this pulley, goes to this pulley, and in turn it's attached to another block like this, and the complete setup is kept on horizontal surface. इधर कुछ mu1 indicate कर रखा है, इधर 2 kg block ले रखा है, इधर 4 kg block. इसको मैं capital M कह दूंगा, इसको मैं small m कह दूंगा, इस angle को मैं theta कह दूंगा. यह coefficient of friction is mu2. Now, if the tension in the string in the figure is 16 Newton, this tension is given to us. Yeh tension 16 Newton hai, yeh diya hua hai. And acceleration of each block is 0.5 meter per second square. Yeh acceleration de rakha hai. Acceleration bhi de rakha hai. And this acceleration is 0.5 meter per second square. Find friction coefficient at the two contact with the block. Dono jagah par block ke saath jo coefficient of friction hai use determine karna hai. Now this is a very interesting problem. Newton's law, free body diagram, acceleration identify करना, indicate करना, external forces identify करना, indicate करना, वो सारी ही बातें इधर आ रही है. इस बार क्या है, इन्हें acceleration दे रखा है और tension दे रखा है और coefficient of friction पूछा है. चलिए हम करते हैं इसी समय. हम देखिए, this wedge is fixed. यह block move कर रहा है. मैं दो free body diagram जो लूँगा, एक तो इस वेज पर रखा हुआ यह ब्लॉक, इसे एक फ्री बॉडी डायग्राम लूंगा, इसका एक बनाऊंगा फ्री बॉडी डायग्राम, और दूसरा यह हॉरिजॉन्टल रखा हुआ यह ब्लॉक. मैं एक्सीलरेशन सबसे पहले इंडिकेट कर देता हूं. इसका एक्सीलरेशन ए इस डायरेक्शन में है और इसका एक्सीलरेशन ए इस डायरेक्शन में. सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम लेते से ही एक्सीलरेशन इंडिकेट करा जाना चाहिए. सिंस दे आर टाइड विद अ स्ट्रिंग, तो यह जिस एक्सीलरेशन से इस इंक्लाइन प्लेन के नीचे आएगा, उतने ही एक्सीलरेशन से ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा. अब इस वजह से इस जगह पर फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे लगेगी, इस जगह पर फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे लगेगी. और कितनी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, इस जगह पर मैं कहता हूं म्यू टू एन टू. इधर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू टू है, नॉर्मल रिएक्शन कुछ एन टू होएगा, वो देखेंगे हम. इधर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू वन है, इस जगह पर म्यू वन एन वन. अब बाकी की एक्सटर्नल फोर्सेस सोची जाए जरा. इस ब्लॉक के लिए मैं कहूंगा टेंशन टी और mg इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन और नॉर्मल रिएक्शन n2. यह फोर्सेस होंगी, जबकि इस ब्लॉक के लिए इसको मुझे कैपिटल M लिखना चाहिए.
क्योंकि स्मॉल m में इधर के लिए लिख रहा हूं, स्मॉल mg, लेट मी मेक इट वेरी मच क्लियर, कहीं कोई डाउट नहीं हो जाए, कैपिटल mg, स्मॉल mg, बिसाइड इट टेंशन t एंड नॉर्मल रिएक्शन n1. क्या इसके अलावा और कोई एक्सटर्नल फोर्स इस ब्लॉक पर, टेंशन टी हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, नॉर्मल रिएक्शन एम जी, एक्सीलेशन, सारी फोर्स आ गई इस ब्लॉक पर, टेंशन टी हो गया, एम जी, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स, सारी फोर्स आ गई. अब मैं कहता हूं इस फ्री बॉडी डायग्राम में तो किसी भी तरह से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, कोई कंपोनेंट किसी भी फोर्स का लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें जो हम कोऑर्डिनेट एक्सेस लेने जा रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेने जा रहे हैं, सारी फोर्स और एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में ही है. इस फ्री बॉडी डायग्राम में हमें रिजॉल्व करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो हम कोऑर्डिनेट एक्सेस लेंगे दैट कोऑर्डिनेट एक्सेस वुड बी अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन. हमारी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी वह अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, इस तरह से होगी. नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, फ्रिक्शनल फोर्स, एक्सीलेशन, यह तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग है, मगर एमजी कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग नहीं है, इसलिए एमजी को रिजॉल्व करना पड़ेगा. एमजी के हम दो कंपोनेंट ले लेते हैं, एक कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन. अलोंग द इंक्लाइन प्लेन जैसे कंपोनेंट हो जाएगा, यह होगा एमजी साइन थीटा एंड दिस कंपोनेंट वुड बी एम जी कॉस थीटा. अब हम कह सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन एन टू इज एम जी कॉस थीटा. अब मैं दो इक्वेशंस बना देता हूं इस फ्री बॉडी डायग्राम के लिए भी और इस फ्री बॉडी डायग्राम के लिए भी. मुझे टेंशन दे रखा है और एक्सीलरेशन दे रखा है, तो इनफैक्ट टेंशन और एक्सीलरेशन सिंस इट्स गिवन, तो मैं तो इसके लिए तो सीधा सीधा इक्वेशन लिखकर सॉल्व ही कर सकता हूं, वी वन फटाफट लिख ही सकता हूं. मैं इक्वेशन ऐसे लिखूंगा इसके लिए, टेंशन टी माइनस म्यू वन और एन वन इज इक्वल टू एम जी, इधर जो है एन वन इज इक्वल टू स्मॉल एम जी, म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए, यह इक्वेशन. और इसके लिए जो मैं इक्वेशन लिखूंगा mg sin theta minus, नीचे लिखता हूं mg sin theta minus tension minus mu2 mg cos theta is equal to capital M. यह इसके लिए इक्वेशन हो गई. दिस आर द टू इक्वेशंस जो हम इन दोनों फ्री बॉडी डायग्राम के लिए लिख देंगे, और अब जो सॉल्व करना है सॉल्व कर दे. हमें अभी तो हमने देखा ही नहीं कि क्या क्या दे रखा है, टेंशन और एक्सीलेशन दे रखा है, इसलिए मैं तो इस इक्वेशन से स्टार्ट करूंगा. इसमें टेंशन सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, इस इक्वेशन में टेंशन टी मैंने सब्स्टिट्यूट करा 16 माइनस म्यू वन मुझे डिटरमाइन करना है, एम की जगह मैं रखता हूं 2 के जी, जी की जगह पर 10 इज इक्वल टू एम की जगह पर 2 और एक्सीलेशन की जगह पर एक्सीलेशन इट सीम्स 0.5. हो गया, सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व इट इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ म्यू. 16 माइनस 1 15 इज इक्वल टू 20 म्यू 1 और म्यू 1 इज इक्वल टू 3/4 और 0.75.
This is mu 1. Now substitute the values in this equation. हम values को इस equation में substitute कर देते हैं. M की जगह पर M की value 4, G की जगह पर 10, sin theta की जगह पर sin 30, that is 1/2, minus tension, tension is 16 newton, minus mu 2, मुझे determine करना है. Mg, M की जगह पर 4, G की जगह पर 10, cos 30 is √3/2, 4 into acceleration की जगह पर 0.5. Solve for mu 2. बड़े ध्यान से पूरे प्रॉब्लम को देखिए, किस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, किस तरह से फोर्सेस इंडिकेट करी हैं, किस तरह से रिजॉल्व करा है, किस तरह से इक्वेशंस बनाई है. बेसिकली यह दोनों इक्वेशन से फिर जो चाहे वह सॉल्व कर सकते हैं जो डेटा दे रखा है. ये सिचुएशन को हमने बड़े ध्यान से देखा है. नोट डाउन कीजिए प्लीज. Now let's start reading 15th problem. The friction coefficient between athlete's shoes and the ground is 0.9. Coefficient of friction is 0.9 between shoes and ground. Suppose a superman wears these shoes and races for 50 meters. Distance is 50 meters. There is no upper limit on his capacity of running at high speed. Superman kitni bhi high speed tak ja sakta hai. Find the minimum time that he will take in completing 50 meter starting from rest. Suppose he take exactly the minimum time to complete 50 meters. What minimum time will he take to stop? देखिए, हम as I told you, हम जब पैदल चलते हैं, हम जब दौड़ते हैं, तो frictional force ही हमें acceleration provide करती है. In fact, जब हम दौड़ चल रहे हैं, then we used to push ground in backward direction through our feet. In turn, ground push us in forward direction. Frictional force ही हमें accelerate करती है. हम जमीन को पीछे की तरफ धक्का देते हैं, जमीन हमें आगे की तरफ धक्का देती है. कुछ इस तरह का phenomena होता है. Let me try to draw it and show you. हम इस तरीके से पांव रखते हैं और हम पांव से जमीन को पीछे की तरफ पुश करते हैं. This is the force exerted by us on the ground in backward direction. In turn, ground हमें आगे की तरफ frictional force लगाता है. अब इस जगह पर जितना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होएगा, हम उतना ही ज्यादा एक्सीलरेट होंगे. और फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा कैसे होगा? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से. हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg और फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू इनटू n और म्यू इनटू mg और एक्सीलरेशन इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन मास दैट इज म्यू g. This is the maximum acceleration due to friction. This is maximum acceleration due to friction. अब हमसे पूछा गया है minimum time to travel 50 meters. हम सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. डिस्टेंस इज
50 meters, initial velocity is 0, half, acceleration is mu g into t square. So the time taken t square is 50 into 2 upon 50 into 2, mu is 0.9 and g is 10. So t square is 100 by 9, so t is 10 by 3 seconds. The answer to part A. Now, find the minimum time he'll take in completing 50 meters. और हमने assume कर लिया कि from rest till 50 meter वो accelerate होते ही जा रहा है, वो push ground को करते ही जा रहा है और ground पर पीछे की तरफ force लगा रहा है, ground उस पर आगे की तरफ frictional force लगा रहा है और constant इस acceleration से वो आगे travel कर रहा है, तो 10 by 3 seconds में वह 50 meter travel कर लेगा. That Superman. Suppose he take exactly minimum time to complete 50 meter, what minimum time he'll take to stop? अब once again वो 50 मीटर ट्रैवल कर लिया, अब वह रुकना चाहता है, तो रोकने के लिए भी फ्रिक्शनल फोर्स ही काम आता है, रोकने के लिए भी वह रुकने की कोशिश कैसे करेगा? अब वह रुकने के लिए ग्राउंड पर आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, जब वह ग्राउंड पर आगे की तरफ फोर्स लगाएगा तो ग्राउंड उसको पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा. फ्रिक्शनल फोर्स एक्सीलरेट एंड ऑल्सो फ्रिक्शनल फोर्स डिसीलरेट, उसको रोकने के लिए भी सेम फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा. इन ऑर्डर टू स्टॉप वंस अगेन फ्रिक्शनल फोर्स डिसीलरेटेड, फ्रिक्शनल फोर्स ही उसको डिसीलरेट करेगा और वंस अगेन डिसीलरेशन भी माइनस म्यू जी ही होगा. जो एक्सीलरेशन था, जितना एक्सीलरेट करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उतना ही डिसीलरेट करने के लिए भी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा. जितना एक्सीलरेशन मिल रहा है उतना ही रुकने के लिए डिसीलरेशन भी मिलेगा. और एक्सीलरेट 0 से 50 मीटर इतने समय में हुआ, तो हम कहेंगे 50 मीटर से 0 व्हाटएवर वेलोसिटी इट अचीव्ड, उसकी कुछ वेलोसिटी जो अचीव होगी वह निकाली जा सकती है v इक्वल टू u प्लस 80 से. v इज इक्वल टू u प्लस 80, a की जगह पर हम रखेंगे दिस म्यू जी, म्यू इज 0.1 इंटू 10 इंटू टी 10 बाय 3. This is the velocity, इतनी velocity वह achieve कर लेगा. This is the velocity achieved by that, so 9 और this is 3, 30 meter per second, 30 meter per second वह velocity achieve कर लेगा. और फिर इस velocity से 0 velocity पर आने के लिए once again जो उसको समय लगेगा, deceleration इतना ही लगना है, v equal to u plus 80, final velocity is 0, u is 30 मीटर पर सेकेंड माइनस a की जगह पर हम लिखेंगे म्यू 0.9 इंटू 10 इंटू टी. और यू विल फाइंड दैट यदि एक्सीलरेशन और डिसीलरेशन सेम है तो जितने समय में वह एक्सीलरेट हुआ है उतने ही समय में सेम वेलोसिटी से वो सेम वेलोसिटी से जीरो वेलोसिटी तक वह डिसीलरेट भी होगा. डिसीलरेट होने में भी उसको टाइम 10 बाय 3 सेकेंड ही लगेगा, क्योंकि एक्सीलरेटिंग फोर्स और डिसीलरेटिंग फोर्स उसका मैग्नीट्यूड सेम है, एक्सीलरेशन और डिसीलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, और जीरो वेलोसिटी से मैक्स वेलोसिटी और फिर मैक्स वेलोसिटी से जीरो वेलोसिटी तक आने में समय भी, जितना वेलोसिटी को बढ़ने में समय लगा उतना ही वेलोसिटी को जीरो होने में समय लगेगा. सॉल्व करके चेक कर लीजिए, देख लीजिए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू 18th प्रॉब्लम. Now, let's start discussing 18th problem. बड़े ध्यान से 18th problem को देखते हैं. Figure, show two blocks in contact sliding down the inclined plane of inclination 30 degree. सबसे पहले हम
फिगर बना लेते हैं, यहां इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लिनेशन है 30 डिग्री, इस पर दो ब्लॉक दिखा रखे हैं, एक तो यह बड़ा वाला ब्लॉक है 4 kg मास का और दूसरा यह छोटा वाला ब्लॉक है जो इसी के साथ रखा हुआ है 2 kg मास का। फिगर शो टू ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन ब्लॉक ऑफ मास 2 kg एंड इंक्लाइन इज म्यू 1। हियर वी हैव गॉट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू 1 and that of block of mass 4 kg and incline is mu 2 and here coefficient of friction is mu 2. Calculate acceleration of 2 kg block if, calculate acceleration of 2 kg block if, अब 2 kg block का acceleration पूछा है इनने, इस block का acceleration if case 1 a mu 1 is 0.2 and mu 2 is 0.3 and in second situation mu 1 is 0.3 and mu 2 is 0.2 and we need to take GS tan. Generally हम G tan ही लेते हैं। Now, just have a thorough look at the problem. Generally, जब ऐसे किसी inclined plane पर block रखा हुआ होता है, smooth inclined plane हो तो g sin theta से वो नीचे की तरफ जाता है, friction हो तो वो friction उसको रोकता है। अब इधर दो block रखे हुए हैं, 4 kg block, 2 kg block, दोनों का इस इंक्लाइन प्लेन के साथ में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग है, 2 केजी ब्लॉक का म्यू 1, 4 केजी ब्लॉक का म्यू 2। अब केस 1 और केस 2 में म्यू 1 और म्यू 2 को इंटरचेंज करा हुआ है और इस केस में उन्होंने पूछा है एनालाइज करना है कि क्या होगा। केस 1 में देखिए म्यू 1, म्यू 1 0.2, म्यू 2 0.3, म्यू 1 0.2 मतलब म्यू 1 कम है, म्यू 1 कम है और म्यू 2 ज्यादा है। म्यू 1 कम है मतलब 4 केजी ब्लॉक इस इंक्लाइन प्लेन पर तेजी से भागेगा नीचे की तरफ और 2 केजी ब्लॉक पर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं सॉरी 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 म्यू 1 कम है मतलब 2 केजी ब्लॉक पर फ्रिक्शनल फोर्स कम है और 4 केजी ब्लॉक पर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है। इसका मतलब 4 केजी ब्लॉक पर फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है और 4 kg ब्लॉक पर फ्रिक्शन ज्यादा लगने की वजह से 4 kg ब्लॉक तेजी से इंक्लाइन प्लेन पर नीचे नहीं जा पाएगा। ऐसी स्थिति में 2 kg ब्लॉक इस 4 kg ब्लॉक को पुश करेगा, 2 kg ब्लॉक इस 4 kg ब्लॉक को पुश करेगा और दोनों कॉन्टैक्ट में रहेंगे। मैं इधर ये बात लिखता हूं, सिंस म्यू 2 इज ग्रेटर देन म्यू 1 ब्लॉक remain in contact, क्योंकि mu 2 ज्यादा है तो 4 kg ब्लॉक पर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा और 4 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक को फ्रीली नीचे नहीं जाने देगा। अब इस सिचुएशन में मैं इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, यह 4 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम एक अलग बना रहा हूं और 2 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम एक अलग बना रहा हूं, दोनों कॉन्टैक्ट में हैं। जरा देखिए इधर तो mg जिसको मैं 4g ही लिखता हूं और नॉर्मल रिएक्शन N2 इज द नॉर्मल रिएक्शन और
इस जगह पर फ्रिक्शनल फोर्स म्यू टू इन टू, और 4G को रिजॉल्व करके मैं इधर दिखा देता हूं, इस जगह पर 4G कॉस 30 और इस जगह पर 4G साइन 30। इसके अलावा एक फोर्स और रहेगी दोनों ब्लॉक के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स, और उस कॉन्टैक्ट फोर्स की वजह से यह ब्लॉक कुछ n फोर्स से इसको पुश करेगा, और उतने ही फोर्स से यह बड़ा वाला ब्लॉक इस ब्लॉक को पीछे की तरफ पुश करेगा। ये दोनों कॉन्टैक्ट में है, दोनों कॉन्टैक्ट में है तो छोटा ब्लॉक बड़े ब्लॉक को कुछ n फोर्स से आगे की तरफ उसका फोर्स लगाएगा, इस पर कुछ नॉर्मल फोर्स लगाएगा, और बड़ा वाला ब्लॉक उतना ही फोर्स पीछे की तरफ लगाएगा। ये दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ, बिकॉज बोथ ब्लॉक वुड रिमेन एट कॉन्टैक्ट। अब देखिए, इसके अलावा इधर 2G, 2G के अलावा नॉर्मल रिएक्शन N1, फ्रिक्शनल फोर्स μ1 N1, और यह जो 2G है इसको रिजॉल्व करके हम दो फोर्सेस दिखा देंगे, 2G cos 30 और 2G sin 30, बस इसके अलावा आपको कोई फोर्स नहीं होगा। अब मैं इक्वेशंस लिख देता हूं, N1 इक्वल टू 2G cos 30 और इधर N2 इक्वल टू 4G cos 30। अब मैं इक्वेशंस जो लिखता हूं, दैट इज 4G sin 30 n माइनस μ2 इंटू 4G cos 30 इज इक्वल टू 4A। इन दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन a है, दोनों एक साथ में a एक्सीलरेशन से मूव करेंगे। अब इसके लिए मैं लिखता हूं, इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, टू जी साइन 30 माइनस n माइनस μ1 इंटू 2G कॉस 30 इज इक्वल टू 2A। अब खास बात, दोनों का एक्सीलरेशन हमने सेम माना, दोनों का एक्सीलरेशन सेम क्यों माना, क्योंकि हम यह पहले ही समझ गए कि दोनों ब्लॉक कॉन्टैक्ट में रहेंगे। दोनों ब्लॉक कॉन्टैक्ट में रहेंगे हमने कैसे सोचा, हमने यह बात ऐसे सोची कि ये जो नीचे ब्लॉक है 4KG वाला, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है, और ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होने से इसको अपोजिंग फोर्स ज्यादा मिलेगा, अपोजिंग फोर्स ज्यादा मिलने से यह एक्सीलरेट तेजी से हो नहीं पाएगा, इसको फ्रिक्शन फोर्स रोक रहा है, इन टर्न ये पीछे वाले ब्लॉक को रोकेगा। तो जब ये पीछे वाले ब्लॉक को रोकेगा तो दोनों ब्लॉक कॉन्टैक्ट में रहेंगे, और दोनों ब्लॉक कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो दोनों सेम एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ जाएंगे, और इन दैट केस दोनों के बीच में ऐसे एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स दिखाई देगा। पीछे वाला ब्लॉक आगे वाले ब्लॉक को आगे धक्का दे रहा है, और आगे वाला ब्लॉक पीछे वाले ब्लॉक को पीछे की तरफ धक्का दे रहा है। अब इन्हें सॉल्व करने के लिए हम ऐड कर देते हैं, जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो इधर हमें दिख रहा है 6G साइन 30 माइनस 4G इंटू μ2 कॉस 30 माइनस 2G इंटू μ1 कॉस 30 इज इक्वल टू 6A, और इस तरह से हमको एक्सीलरेशन थ्रू आउट मिल जाएगा। हम सॉल्व कर लेते हैं, 6G थ्रू आउट बाहर निकाल लेते हैं, 6/2 माइनस 4 इंटू μ2 इज
0.3. Into root 3 by 2 minus 2 into mu 1 is 0.1 into root 3 by 2 whole into g is equal to 6a, or acceleration is equal to 3 1 by 6 into 3 minus this 2.6 root 3 minus 0.1 root 3 or 0.7 root 3 into 10. This is the acceleration. Solve it. Acceleration is 5/3 into 3 minus 0.7 into root 3. This is the answer to the first part. Now in second part mein aap dekhen, mu 1 is 0.3, matlab 2 kg block par frictional force ka jo coefficient hai wo 0.3, aur mu 2 is 0.2, 4 kg block jo ki aage hai is par frictional force ka coefficient 0.2, matlab 4 kg block par friction kam lagega aur 2 kg block par friction jyada lagega. 4 kg block par kyunki friction kam hai isliye 4 kg block tezi se niche ki taraf jayega, wo isko chhod dega. इस केस में यह सिचुएशन बन जाएगी अल्टीमेटली 4 केजी ब्लॉक तेजी से नीचे जाएगा और 2 केजी ब्लॉक पीछे छूट जाएगा. मैं कहूंगा सिंस म्यू 2 इज लेस देन म्यू 1, 2 ब्लॉक departs. इसका acceleration A2 ज्यादा होएगा, इसका acceleration A1 कम होएगा. A2 would be greater than A1. ये दोनों अलग अलग acceleration से, और ये जो नीचे वाला block है तेजी से नीचे भागेगा. A2 ज्यादा होएगा, नीचे गिरेगा और ये पीछे वाले block को छोड़ देगा. और हमसे A1 पूछा गया है, A1. अब इस केस में मैं कहता हूं कोई नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स नहीं है, दोनों ब्लॉक जब बिल्कुल अलग हो रहे हैं तो आप तो सिर्फ पीछे वाले ब्लॉक की तरफ देखिए, और पीछे वाले ब्लॉक की तरफ जब देखेंगे तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होएगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन n1. अब mg को हम रिजॉल्व कर देंगे, mg को जब हम रिजॉल्व करेंगे तो इधर एक कंपोनेंट होएगा mg cos theta, और इधर एक कंपोनेंट होएगा mg sin theta, और इधर फ्रिक्शनल फोर्स fr. और हम कहेंगे mg और 2g sin 30 माइनस mu 2 into 2g cos 30 equal to 2 into acceleration. हम सीधा सीधा यहाँ फंडा लगाएंगे, और acceleration A2 हमें निकालना है, और 2 throughout cancelled, acceleration A2 would be sin 30 minus mu 2 cos 30 into g, और acceleration A2 would be sin 30 की जगह मैं लिखता हूँ 1/2 minus mu 2, mu 2 is 0.2 into root 3/2 into 10. This is the acceleration in second case. खास बात हमें situation को देखना, block की situation को देखना, mu 1 mu 2 की value को देखना, mu 1 mu 2 की value को देखकर यह बात सोचना
कि कब यह दोनों ब्लॉक कॉन्टैक्ट में रहकर साथ में चलेंगे और कब यह दोनों ब्लॉक एक दूसरे को छोड़कर अलग अलग जाने लगेंगे, और फिर यह बात समझ जाना कि आगे वाला ब्लॉक तो फिर इंडिपेंडेंटली अलग ही जाएगा, पीछे वाले ब्लॉक की मोशन इंडिपेंडेंटली एनालाइज की जा सकती है। बड़े ध्यान से इन दोनों सिचुएशंस को देखिए और किस तरह से म्यू वन म्यू टू की वैल्यू को देखकर हमने यह कंक्लूजन लगाया है और किस तरह से एक्सीलरेशन लिखा है, इस बात को समझिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 21st प्रॉब्लम। बड़े ध्यान से देखिए इसको। This is 18th problem, in fact.